ओके, एम आई लाइव? मैं आप लोगों को दिख रही हूं? ओके, यस, हेलो, हाय रानी जी, हाय जिया, कंचन, हाय, हेलो, नमस्ते. आज सब टाइम के पहले आ गए. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूं, बहुत बढ़िया. आप कैसी हैं? आज मैंने 2 मिनट पहले ज्वाइन किया. आई एम सो ग्लैड कि आप सब आ गए. मुझे लगा मैं जल्दी आई हूं और आप सब लेट आने वाले हो. हाय रूपाली, मैं अच्छी हूं रानी, आप कैसी हैं? आई एम वेरी गुड. हेलो, हाय, आई एम गुड. आज हम करने वाले हैं नंबर्स के प्रिडिक्शन और आज मैं आपको बहुत सारी या बहुत थोड़ी अच्छी अच्छी बातें बताने वाली हूँ अमावस से जुड़ी हुई, क्योंकि कल अमावस है. एंड आई ऑल्सो टॉक अबाउट न्यू मून. परसों न्यू मून है, उसके बारे में भी बात करेंगे. मैं भी अच्छी हूँ मैम, यू आर लुकिंग प्रिटी. थैंक यू सो मच रूपाली. दीपाली वॉन्ट्स टू ज्वाइन माई लाइफ. एक दिन पक्का मैं बहुत सारे लोगों को लाइफ में ज्वाइन करूंगी और हम बहुत सारी बातें करेंगे, पक्का, प्रॉमिस. बट आज वो दिन नहीं है. लेट मी कंप्लीट द एंटायर सीरीज ऑफ न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शंस, उसके बाद जरूर करेंगे. हेलो, हाय विकास. टैरो के प्रिडिक्शंस मैं करूंगी आज का सेशन और एक और सेशन लूंगी जहां मैं बाकी के नंबर्स कंप्लीट करूंगी. सो हमारे पूरे 9 डिजिट्स जो हैं न्यूमरोलॉजी के वो प्रिडिक्ट हो चुके होंगे. एंड देन आई डू अ टैरो लाइव आल्सो. आज आई प्रिडिक्ट फॉर नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और शायद नंबर 7 भी. लेट्स सी हाउ टाइम अलाउ. ओके, गॉड ब्लेस यू मैम. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू रूपाली. नहीं, आज तो देखिए मैं लाइव में किसी को अलाउ नहीं करूंगी ज्वाइन करने का. सो प्लीज डोंट सेंड रिक्वेस्ट फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव, बिकॉज आज का लाइव आप ही लोगों के प्रेडिक्शंस के लिए है, आप लोगों की डेट के प्रेडिक्शन के लिए है. वॉन्ट टू टॉक टू यू मैम. दीपाली, इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं. मेरा नंबर बायो में दिया हुआ है. ओके, मुझे व्हाट्सएप करिए प्लीज. नहीं, लाइफ पे आके बात नहीं करनी है, आप मुझे कॉल करिए. आई टॉक टू यू. वील वेट फॉर 4-5 मिनट्स मोर. इट्स 8:09. 2-5 मिनट में स्टार्ट करेंगे अगेन. लेट द पीपल कम एंड ज्वाइन. और आज के लाइफ का मोटिव मेरे ख्याल से जितने लोग लास्ट लाइव में थे उन्हें तो पता ही था. और मेरी स्टोरीज चेक किया करिए प्लीज. स्टोरीज पे मैं बिल्कुल अपडेट कर देती हूँ एक दिन पहले से कि मैं कब लाइव आऊंगी, किस बारे में बात करूंगी लाइव आके. सो डू दैट. हाय राधिका, हेलो देवेंद्र, मैं अच्छी हूँ, आई एम गुड. दीपाली, कितनी भी कोशिश कर लो, आई नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन माई लाइव. इन एडवांस हैप्पी बर्थडे मैम. थैंक यू सो मच रूपाली. यस, पूरे नंबर्स के प्रेडिक्शन होंगे आज. 1, 2, 3 मैं कर चुकी हूँ लास्ट लाइफ में. आप लोग प्लीज मेरा लास्ट लाइफ देखिएगा, मैंने पोस्ट किया हुआ है. मैंने उसमें पूरा ईयर, जो कि ये ईयर हमारा शनि का है 2024, हमें ओवरऑल हर नंबर के लिए क्या कॉमन रिचुअल्स हैं, क्या कॉमन रेमेडी है, क्या कॉमन चीजें हैं जो हर नंबर वालों को, हर इंसान को, किसी भी राशि का हो, किसी भी नंबर का हो, वो हम सबको करना ही करना है. हाय रितु, मगर वो आप जरूर देखें, बिकॉज उसमें मैंने ओवरऑल आपको बताया है कि आपको क्या ऐसी 8 चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, उसके बाद आपका ये साल कैसा जाएगा. नंबर 1, 2 और 3 के लिए मैं प्रिडिक्ट कर चुकी हूँ. 4, 5, 6, 7 आज करूंगी.
सेवन आई एम नॉट श्योर बट 4, 5, 6 करूंगी. और क्योंकि कल अमावस है, परसों न्यू मून है, तो मैं आपको उसके बारे में भी बहुत सारी अच्छी बातें बताने वाली हूं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अमावस के बारे में, ठीक है. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता, अमावस जो है ये दो चीजों के लिए स्पेशली जानी जाती है. सबसे पहले अमावस हमारे पितरों का दिन होता है, तो इस दिन पितरों को याद करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है. अब कैसे याद करेंगे, सुबह उठकर सबसे पहले आपके घर में जो डेहरी है ना, जो डेहरी होती है मेन डोर के, वहां पे थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए इस इंटेंशन के साथ कि आप अपने पितरों को याद कर रहे हैं. आपकी सारी भावना, सारे इंटेंशंस उन तक पहुंच जाएंगे. और अमावस के दिन शाम को सरसों के दिए का तेल, आप सरसों के तेल का दिया साउथ डायरेक्शन में जलाना बहुत जरूरी है. चार मुखी दिया होना चाहिए, यानी आप चार डिफरेंट बाती ले लें या उसे क्रॉस कर लें, बट इट शुड बी चार मुखी दिया. तेल सरसों का होना चाहिए और डायरेक्शन साउथ की होनी चाहिए. एक तो ये हो गया अमावस के बारे में. दूसरी चीज, अगर आप महाकाली की पूजा करते हैं या लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अमावस का दिन या रात बहुत ही अच्छी होती है. किसी भी बीज मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं. सिद्ध करने के लिए कोई बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है. आप पूरे सरेंडर भाव से भगवान के सामने बैठिए, एक दीपक जलाइए, और जो भी मंत्र या तो आप पढ़ते हैं या आपको अट्रैक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल क्रीम महाकाली का सबसे पावरफुल बीज मंत्र है. तो अगर आप सिर्फ क्रीम 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 की माला करते हैं और करते जाइए कंटिन्यूअसली विदाउट काउंटिंग, तो एट सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम इट विल गेट सिद्ध, ठीक है. इसी तरीके से महालक्ष्मी, अमावस का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने घर की साफ सफाइयां करने के लिए. तो सुबह उठ के अपने घर की साफ सफाई अमावस के दिन जरूर करें. हाय गीतिका, हाय चेतना, हाय प्रीति, हाय एवरीवन. नहीं, हमने कुछ बहुत ज्यादा अभी नहीं कवर किया है, थोड़ा सा मैंने अमावस के बारे में बताया है ना. उसके बाद परसों है न्यू मून, तो न्यू मून के दिन बहुत सारे रिचुअल्स मैं बता चुकी हूँ, मगर क्योंकि कल साल का पहला परसों सॉरी साल का पहला न्यू मून है, तो अपना अबंडेंस चेक लिखना ना भूलें. और अगर आपको पता नहीं है अबंडेंस चेक कैसे बनाते हैं, सो आई ट्राई कि मैं एक बार दोबारा एक रील बना के इस पे डाल दूं. दोबारा इसलिए बोला क्योंकि अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन करेंगे, देयर इज नो यू नो एनुअल सब्सक्रिप्शन इन माई ग्रुप, तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मैं ग्रुप में बताती हूँ जो इंस्टा पे या फेसबुक पे या लाइव में आके बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. इट इज काइंड ऑफ अ पर्सनल ग्रुप, अ फैमिली ग्रुप, जहां हम बहुत सारी बातें करते हैं. लोगों को किसी भी तरीके के कोई इश्यूज हैं तो उन्हें तुरंत प्रॉम्प्ट आंसर्स में दे पाती हूँ उस ग्रुप में. सो इफ यू ज्वाइन दैट, आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है. तो आप अबंडेंस चेक बनाएंगे, मैंने जो ग्रीन कैंडल्स की स्पेल सिखाई है, आप न्यू मून के दिन दैट इज 12th of January वो जरूर करेंगे, ठीक है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आगे की चीजें, एंड आई कॉल नंबर 4, ठीक है. नंबर 4 का ये साल कैसा जाने वाला है. जो भी लोग बॉर्न हुए हैं 4 तारीख को, 22 तारीख को या 13 तारीख को, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा. क्या लिख रही हैं आप, हाय मैम आप कैसी हैं. मैं अच्छी हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, ठीक है. तो नंबर 4 जो होता है ये होता है राहु का नंबर, जिसके पास सिर्फ हेड होता है, ठीक है, नीचे की बॉडी नहीं होती. ये नंबर होता है इल्यूजन का नंबर. इल्यूजन का नंबर मतलब ये लोग सोचते बहुत हैं, ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं. दूसरी चीज, जो 4 नंबर वाले होते हैं ना, ये थोड़े से मिस्टिकल होते हैं, इनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. बहुत ज्यादा अपने दिमाग में ये बातें रखते हैं. 4 नंबर वाले रिलेशनशिप्स में धोखा जरूर खाते हैं, स्पेशली वो फीमेल्स हु बॉर्न ऑन 4 and 22. ओके, हेलो आशा जी. चलिए अब मैं अपना, आई नॉट ब्रेक माई फ्लो, मैं बीच में शायद कुछ आप लोगों के मैसेजेस ना पढ़ पाऊं, बट आई ट्राई टू आंसर एट द एंड, ठीक है. तो नंबर 4 के बारे में मैं आपको बता रही थी, क्योंकि ये इल्यूजन का नंबर है, तो इनका फोकस जो होता है ना वो ज्यादा होता नहीं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं नंबर 4 वाले. अब क्योंकि ये शनि का साल है, तो मैं आपको बता दूं कि 4 and 8 आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर. एक दूसरे के कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते. माय डीओबी इज 8, माय लव लाइफ प्रॉब्लम,
विल टॉक अबाउट एट नंबर. ठीक है, ये साल जो बच्चे हैं इनका पढ़ाई पे फोकस बिल्कुल नहीं रहेगा, मतलब बर्बाद जिसे कहते हैं, आप मार लो पीट लो पनिशमेंट दे लो. मेरी खुद बेटी 4 नंबर है, सो इस साल में उसे कैसे हैंडल करने वाली हूँ मुझे भी नहीं पता. सो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे. रिलेशनशिप्स के लिए ये साल अच्छा नहीं है, लोगों के हार्ट ब्रेक्स होंगे, आपका दिल टूटेगा, शादियां चलती रहेंगी. हार्ट ब्रेक्स मतलब जिन जो भी रिलेशनशिप्स में हैं, अफेयर में हैं, बट जिनकी शादियां हैं आपकी शादियां तो चलती रहेंगी. डिवोर्स के कोई बहुत चांसेस नहीं है इस साल में, मगर आप दुखी रहेंगे. डिप्रेशन और एंजाइटी 4 नंबर वालों को बहुत पसंद है. क्यों? बिकॉज दे ऑलवेज थिंक ख्याली पुलाव वो बहुत पकाते हैं. अब जो 4 नंबर होता है, स्पेशली ये एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका दिमाग यूज़ हो रहा है, ठीक है, तब तो आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर लेंगे. इनसे आप फिजिकल लेबर की बात नहीं कर सकते, इनसे मेहनत नहीं होगी, शारीरिक कष्ट दे के ये नहीं करने वाले. पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये शनि का साल है, आपको फिजिकल लेबर करना पड़ेगा, क्योंकि शनि को कम्फर्ट पसंद नहीं है. नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो ये साल आप लोगों को मिसअंडरस्टैंड करेंगे और लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे. तो प्लीज इस चीज से बचिए कि किसी भी गलतफहमी की वजह से अपने रिश्तों को दांव पर मत लगाइए. ये साल जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मगर बिजनेस वाले ये साल थोड़ा स्मूथली निकाल कर ले जाएंगे. 4 नंबर वाले इस साल नया बिजनेस ओपन कर सकते हैं. 4 नंबर वाले जो हैं ये लोग इस साल बीमार पड़ेंगे, इनके सर में दर्द रहेगा, इनकी आंखों में स्ट्रेस आ सकता है, और आप देखोगे कि ENT का प्रॉब्लम इनको हो सकता है, ईयर नोज थ्रोट, इनमें इनको इश्यूज आएंगे. और 4 नंबर के वाले में एक बहुत अच्छी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जो कलर है वो है येलो ब्लू व्हाइट ऑरेंज. मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्हाइट येलो ऑरेंज एंड पर्पल ये 4 ऐसे कलर हैं जो जनरली हर नंबर वालों के लिए हैं. ठीक है, चार नंबर वालों की जो फैमिली लाइफ है वो अच्छी जाएगी. अगर थोड़ा सा आपको ऐसे लगता है, स्पेशली फीमेल्स के लिए ये बात कह रही हूँ, कि लड़ाइयाँ थोड़ी सी ज्यादा हो रही हैं, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा एक बैक स्टेप लेने की जरूरत है. आपकी शादीशुदा जिंदगी ये साल अच्छी जाएगी. आपको एक्सट्रीम में जाके सिर्फ सोचना नहीं है, अगेन ओवरथिंक नहीं करना है. योर मैरिज विल बी सेटल. फाइनेंशियली ये ईयर 4 नंबर वालों के लिए एवरेज रहेगा. कोई बहुत खास नहीं कमाओगे, कोई नुकसान नहीं होगा, पैसा आएगा और जाएगा, सेविंग्स आप नहीं कर पाओगे. सो ओवरऑल 4 नंबर के लिए ये साल एवरेज है, और मैं बता चुकी हूँ कि किसके लिए ये साल बहुत अच्छा है. हाय मिष्ठी, हाय विजेता, हाय इंदा. मैं नंबर 4 कवर कर रही हूँ अभी. फोर नंबर मीन्स 4 फैमिली मेंबर्स वाले. नहीं नहीं नहीं, बाय गॉड, ये तो नया कॉन्सेप्ट है. नंबर 4 का मतलब है वो लोग जिनका जन्म 13 तारीख को हुआ है, 4 तारीख को हुआ है, या 22 तारीख को हुआ है. आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आप अपनी डेट को सिर्फ उस तारीख को जोड़िए और उसका टोटल निकालिए. तो 4, 13 और 22, इन 3 तारीख में जो लोग जन्मे हैं उनका नंबर 4 है. बट आई जस्ट लव व्हाट यू अंडरस्टूड कि 4 फैमिली मेंबर्स अगर रहते हैं तो ऐसा नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ का नंबर है वो. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ राइट डाउन व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ सो दैट आई विल बी श्योर कि आपको समझ में आया. ठीक है, नाउ आई गॉट इट. बर्थ को कंसिडर करना है. यस, ग्रेट. हैप्पी न्यू ईयर मैम, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू मैम. मेरा 12 है, मेरा भी 12 है, सो हम नंबर 3 है. उसे मैंने लास्ट लाइव में कवर किया है, प्लीज पेज पे जाके देखिए. 22 नवंबर प्रियंका, यस यू आर नंबर 4. सौम्या, नाइस टू सी यू अगेन, थैंक यू सो मच. 12 दिसंबर नंबर 3 है. 8 नंबर 8 है. अंशिका 22, 10, 90, तो सिर्फ 22 को हम कंसिडर करेंगे, दैट इज नंबर 4.
विल आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया परमानेंटली विथ माई हस्बैंड? नहीं, ये साल तो कोई बहुत चांसेस नहीं है. सौम्या ग्लैम, 12th जनवरी. माइन इज ऑल्सो 12th जनवरी. टैरो लाइव करूंगी, नंबर्स एक बार कंप्लीट हो जाए, एक लाइव और लगेगा इसके बाद वाला, देन वील डू लॉट ऑफ टैरो लाइव. टैरो करूंगी, रूनस के साथ आप लोगों की रीडिंग करूंगी, डोंट वरी. और एक दिन हम लाइव करेंगे जहां मैं सिर्फ आपको रेमेडीज बता रही होंगी, ठीक है? चलो, सो लेट्स मूव टू नंबर 5. नंबर 5 वाले कैसे होते हैं? सबसे पहली चीज, नंबर 5 वाले बहुत क्यूट और बहुत चार्मिंग होते हैं, वो फेस से ही आपको दिख जाएंगे. नंबर 5 वाले जो होते हैं ना, ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, दे आर नॉट इमोशनल. वुड यू थिंक आई गेट अ जॉब? सी, आई कैन नॉट थिंक लाइक दिस बिकॉज आज मैं टैरो लाइव नहीं कर रही हूँ, तो आपके साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर हम आज नहीं दे पाएंगे, कर पाएंगे, राइट? सो एक बार हमारा न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन हो जाए, देन आई विल श्योरली आंसर. आप नेक्स्ट लाइव में आइए, कीप कमिंग इन माय लाइव, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक है? तो मैं कह रही थी कि नंबर 5 वाले बड़े ही प्रैक्टिकल होते हैं. अगर ये कभी रो रहे हो तो सिर्फ ये समझना कि ये वो कौन से घड़ियाल के आंसू होते हैं ना, सिर्फ ओके कि सिर्फ ये वैसे रो रहे हैं. नंबर 5 वालों को जनरली आंसू नहीं आते, ये बहुत हार्ड हार्टेड तो नहीं, बट ये समझ लो प्रैक्टिकल होते हैं. अब आप ये समझो, नंबर 5 है, सो ये बैलेंसिंग का नंबर है, 1 से लेकर 9 के बीच में आता है 5, 4 इधर और 6, 7, 8, 9, 4 नंबर उधर. तो अब आप इससे समझ सकते हो कि इनकी जो यिंग यांग एनर्जी है वो कितनी ज्यादा इनमें बिल्कुल जागृत रहती है, ठीक है? रितु, हाय रितु, हाउ आर यू? नंबर 5 वालों को हम कहते हैं कि प्रिंस, राजकुमार जैसे इनकी जिंदगी होती है, बहुत इन्हें सब कुछ बहुत इजीली मिलता है, घर वाले या हस्बैंड या वाइफ, इन्हें चीजें को प्रोवाइड बहुत आसानी से किया जाता है. 5 नंबर वालों के बारे में सबसे अच्छी बात आपको पता है, ये मल्टीटास्किंग होते हैं, एट द सेम टाइम ये 4-5 डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, और उससे भी बड़ी अच्छी बात यह है कि वो चारों पांचों चीजें ये पूरी शिद्दत के साथ करते हैं. ऐसा नहीं कि एक काम किया तो दूसरा कुछ और अगर कर रहे हैं तो उसमें उनके रिजल्ट्स नहीं आएंगे. नो, दे डू एवरीथिंग ऑल टुगेदर इन अ वेरी गुड वे, ठीक है? नंबर 4 वाले बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, ये डायनामिक होते हैं, सॉरी 5 वाले. और अब हम आगे बढ़ते हैं ये जानने के लिए कि नंबर 5 जो है ये इनका साल कैसा जाने वाला है. तो मैं आपको बता दूं कि नंबर 5 वालों का ये साल बहुत अच्छा जाएगा. क्यों? शनि 8 नंबर जो है, शनि होते हैं काम का बिजनेस, ठीक है? काम का नंबर, बिजनेस का नंबर, शनि प्रोग्रेस का नंबर होता है. जो लोग ये समझते हैं, ये धारणा रखते हैं कि अगर आपके शनि स्ट्रांग है या कुछ भी 7:30 चल रहे हो तो आपका काम रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता. शनि आपको सिखाने आते हैं, तो शनि इज अ टीचर, और टीचर आपको सिखाएगा, पढ़ाएगा, हैंड राइटिंग अच्छी कराएगा, पनिशमेंट देगा, बट अल्टीमेटली फायदा आपका ही होगा ना, आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे ना, आपको वो सब्जेक्ट समझ में आएगा. शनि बिजनेस करवाता है, शनि प्रॉपर्टीज खरीदवाते हैं, शनि प्रॉपर्टीज बिकवाते हैं. शनि इज अ नंबर ऑफ सेलिंग, जो भी लोग सेल्स में हैं, चाहे आप जो बेच रहे हो, आप इस साल बहुत कमाओगे. सो नंबर 5 इज अ नंबर ऑफ अबंडेंस, नंबर 5 इज अ नंबर ऑफ बिजनेस. तो नंबर 5 वाले, अगर आप लोग इस साल किसी भी तरीके का कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है. आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, आप वैसे ही बैलेंसिंग हो, नकली आंसू रो के आप वैसे ही लोगों को अपनी तरफ कर लेते हो, ये करते रहिए, आपकी लव लाइफ अच्छी चलेगी. 5 नंबर वाले ये साल बहुत लग्जरियस ट्रेवल करने वाले हैं. आप सी के आसपास जा सकते हो, आप माउंटेन्स के आसपास जा सकते हो, एंड यू आर गोइंग टू हैव अ लग्जूरियस ईयर फॉर द होल 2024. एक चीज जो नंबर 5 वालों को ध्यान रखनी है कि अगर इस साल शुरू के 6 महीने आप ये मान के चलें कि आपके बच्चों के साथ आपको थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, आपका जो स्टाफ है, जो या एम्प्लॉयज हैं, आप एम्प्लॉयर हो,
तो उस रिलेशंस में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। लेट से आपका रेस्टोरेंट है तो जो आपके कुक है वो काम छोड़ के चले जाएंगे, आपके नीचे अगर 5 एम्प्लॉइज काम करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं ट्रबल करेंगे, आपको परेशान करेंगे। तो शुरू के 6 महीने आप कैसे जाएंगे, बट यू आर अ गेम चेंजर व्हेन इट कम्स टू बैलेंसिंग। तो आपको पता है कि आपको बैलेंसिंग कैसे करनी है। बहुत सारे लोग मुझे लाइव पे जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी मैं किसी का लाइव आज नहीं ज्वाइन करवाऊंगी। अब आते हैं नंबर 5 के हेल्थ इश्यूज पे। तो इस पूरे साल नंबर 5 वालों के साथ एक ड्रॉबैक है कि आपको एंजाइटी, एंगर इश्यूज और थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो सकता है। आपको हार्ट ब्रेक जैसी कोई चीज नहीं होगी, मगर आप इस साल थोड़ा सा ओवरथिंक करेंगे, जिसकी वजह से आपके सर वाले हिस्से में कोई भी चीजें आपको अटैक करेंगी। तो प्लीज इन चीजों से बच के रहिए। और एक सलाह दूंगी 5 नंबर को कि अगर आपको थोड़ी सी भी अपनी हेल्थ खराब लगती है ना, तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए। डोंट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड, चाहे इट कम्स टू मेंटल हेल्थ और इट्स फिजिकल हेल्थ। प्लीज सिर्फ आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, शनि आपका ख्याल रखने वाले हैं। ओके, हेलो, हाय एवरीवन, ऑल द न्यू जॉइनर्स, अ बिग हाय टू ऑल। हाय नेहा, मैंने बताया है नंबर 4 और नंबर 5 में आप लोगों को बता ही रही हूं। नंबर 5 का ग्रीन कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कलर को बिल्कुल अपनी जान के पास लगा के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन कलर का। आप अगर हैंकी कैरी कर सकते हो तो आप हैंकी कैरी करो। वेडनेसडे डेफिनेटली आपका दिन है। व्हाइट, ऑरेंज एंड येलो एंड पर्पल, ये सबके लिए है। हाँ, टुडे इज वेडनेसडे इसलिए आई वेयर ग्रीन। I try, mostly 80% मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन के हिसाब से कपड़े पहनूं। कभी ऐसा होता है कि जल्दी में कुछ मिस हो गया या कोई ड्रेस उस कलर की रेडी नहीं है या समथिंग, या कभी लगता है छोड़ो क्या हर बार होता है, आज थोड़ा डिफरेंट करके देखते हैं। एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। गुरुवार का दिन था और मैंने उस दिन ग्रे कलर पहना था, ठीक है। तो जब ग्रे और गुरु यानी राहु, क्या लिख रही हैं ये, कैसी हैं आप, ठीक है। तो जब ग्रे और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है तो ये बनाता है गुरु चांडाल योग। और उस दिन आप यकीन करिए मेरे शहर में इतनी ट्रैफिक नहीं होती, मतलब बहुत ही स्मूथ ट्रैफिक है। ट्रैफिक है रेड लाइट पे, आप 2 मिनट 5 मिनट रुकोगे फिर आप आगे जाओगे। उस दिन बेवजह मैं इतना ट्रैफिक में फंसी थी और जिससे कि मुझे पहुंचना था, आई गॉट लेट बाय 1/2 आवर। मुझे समझ नहीं पड़ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। जनरली जो टाइम में लेके निकलती हूँ उतने में मैं पहुंच जाती हूँ। देन अचानक आई थॉट कि अच्छा, गुरुवार के दिन तो आई ऑलवेज वेयर येलो, बाकी कोई दिन छूट भी जाए, बिकॉज आई एम नंबर 3, जुपिटर का नंबर है, मैं अपना गुरु तो बड़ा ही स्ट्रांग रखने की कोशिश करती हूँ। सो दिस इज हाउ कलर्स एंड नंबर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन योर लाइफ। कैसे हो डियर आप? नेहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? फर्स्ट लाइव के बाद मुझे बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आए कि मैं आपको आपके नंबर के बारे में पर्सनली बताऊं, राइट? सो बिल्कुल पर्सनल पे आपको नंबर्स के जानने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सारे नंबर्स आपको लाइव पे ही बताऊंगी। अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है, यू वॉन्ट टू चेक कि आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करता है या नहीं, या कोई लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं एंड यू थिंक कि न्यूमरोलॉजी की हेल्प से उसको ठीक कराया जा सकता है, सो यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी। ओके, चलो, सो नंबर 5 मैंने कंप्लीट किया है, नाउ वील मूव टू नंबर 6। नो, नोबडी इज अलाउड टू ज्वाइन द लाइव टुडे, क्या, हालांकि मैंने अभी तक किसी को लाइव पे ज्वाइन नहीं करवाया है, बट स्टिल आज तो बिल्कुल नहीं, हमारा फ्लो ब्रेक हो जाएगा। तो नाउ कम्स टू नंबर 6। अब जो नंबर 6 के लोग हैं उनके लिए ये साल अच्छा है, एवरेज से ऊपर है, बहुत अच्छा बिंदास है, ऐसा नहीं बोलूंगी, क्योंकि 6 इज शुक्र और शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन इज नॉट वेरी गुड की बहुत ही मतलब बल्ले बल्ले हो जाती है, ऐसा नहीं है। मगर क्योंकि 6 नंबर वाले लिखवा कर आते हैं। अब कौन है 6 नंबर वाले? नंबर 6, नंबर 15 और नंबर 24।
इन डेट पे जिनका बर्थ हुआ है दे आर नंबर 6. आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आपका नंबर होता है एंड दैट इज कॉल्ड योर ड्राइवर नंबर. न्यूमरोलॉजी में हम उसे टर्म देते हैं ड्राइवर नंबर. अब 6 नंबर के लोग कैसे होते हैं? 6 नंबर के लोग थोड़े से तामसिक होते हैं, ठीक है. उन्हें लग्जरी लाइफ, उन्हें नॉनवेज खाना, अल्कोहल या जिस भी तरीके की चीज़ों में वो अपना लग्जरी ढूंढते हैं, ब्रांड्स को पहनना, बहुत हमेशा सच धज के रहना, खुद को वेल मेंटेन्ड रखना, बहुत ज़्यादा परफ्यूम का यूज़ करना, खुशबू का उपयोग करना, कॉस्मेटिक्स का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें 6 नंबर में देखी जाती हैं. अब जो 6 नंबर होता है इसे हम कहते हैं वीनस का नंबर और कहीं ना कहीं हम इसे बोलते हैं डेविल. व्हाई डेविल? नॉट इन अ वेरी बैड सेंस. डेविल मतलब वही मैंने आपको क्या कहा, शुक्र. शुक्र मतलब शुक्राचार्य को याद करिए, वो आपको याद में आ जाएगा कि क्यों मैंने इसे डेविल कहा. शुक्राचार्य डेविल्स के टीचर थे. तो अब आप ये समझिए कि डेविल तो है बट विथ अ गुड कॉन्शियस. उन्होंने जब भी सलाह दी उन्होंने कभी गलत सलाह नहीं दी. सो टीचर की कैपेसिटी में भी नो मैटर कि वो दानव के टीचर हैं, उन्होंने सलाह हमेशा सही दी. सेम चीज 6 नंबर वालों के साथ होती है. ये अब किसी और का बुरा करके अपना भला कभी नहीं करते, ठीक है. नंबर 6 वाले जो होते हैं इनकी सबसे अच्छी बात होती है रिस्पॉन्सिबल होते हैं. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर का फैक्टर है इनमें. दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर केयरिंग और इनमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनमें सेक्रीफाइस करने का नेचर होता है. आप ये नहीं सोच सकते कि नंबर 6 है तो बस ये सिर्फ ऐश्वर्य की तरफ या बहुत सारा वीनस की तरफ ही जाएगा या हमेशा घूमने फिरने या खाने पीने में या कपड़े खरीदने में रहेगा. नहीं, इनके अंदर एम्पथी और सिंपथी बहुत होती है. दूसरों की फीलिंग्स की कद्र करना जानते हैं. नंबर 6 थोड़े से आलसी होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हें बचपन से सब कुछ प्लेट में रख के मिला होता है. पेरेंट्स के घर में आपको सब कुछ मिलेगा. शादी के बाद आप लड़का हो या लड़की, अपने स्पाउस से आपको बहुत सारा पैसा और बहुत सारा प्यार मिलता है. अपोजिट सेक्स की तरफ ये लोग काफी अट्रैक्ट होते हैं. नाउ अगर मैं इस साल की बात करूं तो नंबर 6 के लिए ये साल आप 70% गुड समझो बिकॉज आई सेड इट्स अबव एवरेज, ठीक है. आपकी फैमिली लाइफ बहुत 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 अच्छी, टच वुड, सुपर्ब जाएगी. सो बिल्कुल अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा मत करना. अननेसेसरी आप पंगे क्रिएट मत करना. ये ईयर आपको बहुत सपोर्ट करेगा व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली लाइफ. जब आपके पैसों की अगर मैं बात करूं तो पैसों की कमी तो आपको होती नहीं है, इस साल भी नहीं होगी. बस एक चीज याद रखना, फिजूल खर्ची मत करना. और अगर नंबर 6 वाले जो कि मैंने कहा था कि एक्सरसाइज जो कि शनि को खुश करने का सबसे सबसे अच्छा और आसान उपाय है, आप अगर थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ी सी ग्राउंडिंग कर लेंगे, घास पे नंगे पांव चलेंगे, तो आपका शुक्र तो मजबूत होगा ही होगा, शनि आपसे प्रसन्न होंगे. तो आप याद रखिए कि शुक्र वाले थोड़े से, क्योंकि मैंने डेविल बोला है ना, तो थोड़ा आपका जो पुण्य और पाप है वो ऊपर नीचे है. इस साल कार्मिक थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो थोड़ा सा ये चीजें अगर आप कर लेंगे तो आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा. फाइनेंसेस आर गुड, लव लाइफ इज गुड, हेल्थ की आपको इस साल टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ये साल आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा है. सो 2024, एक और बात, 2000 हटा दूं तो सिर्फ आ जाइए 24 पे. एंड आई टोल्ड यू कि ये साल आपको कहीं भी आप डेट डाल रहे हैं तो 2024 ना लिखकर सिर्फ 24 लिखना है एंड 24 इज 6. तो अब आप समझ ही गए होंगे कि 24 आपके लिए क्या क्या ला रहा है. भर भर के खुशियां देगा आपको इस साल. बस थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिएगा ताकि आपका वो जो कार्मिक वाला पार्ट है वो बैलेंस हो सके. अगर आपके कलर्स की बात करूं सो वाइट येलो ऑरेंज तो आपके लिए है ही. फ्लोरल कलर अगर आप पहनते हैं, मिक्स कलर पहनते हैं, रेनबो कलर्स पहनते हैं, सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट. और एक छोटा सा मैं आपको टिप देना चाहूंगी इस पूरे साल के लिए कि अगर आप पान खा सकते हैं कभी भी, वेन एवर यू फील, कहीं से गुजर रहे हैं, रात को डिनर के बाद जा रहे हैं या वॉक पे निकल गए, अगर आप इस साल पान खाते हैं तो ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा. राइट? हाय आकांक्षा. सो दिस आई टोल्ड यू अबाउट 3 डिफरेंट नंबर्स, दैट इज नंबर 4, दैट नंबर 5 एंड नंबर 6.
एंड इट्स 8:35, आई हैव अ सेशन एट 9, सो आज का सेशन मैं बहुत लंबा नहीं लूंगी, आई विल नॉट डिस्कस अबाउट 7, 8 एंड 9, ये हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में जो कि होगा, टुडे इज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को कर सकते हैं, सो सैटरडे आई विल डू दिस, और अगर मुझे टाइम मिला तो संडे को मैं लाइव आ जाऊंगी आपके सारे उन सवालों का जवाब देने जो आपने इस लाइव में मुझसे पूछे हैं. कीप चेकिंग माई स्टोरी, वो प्लीज आप करते रहिए, ताकि मैं नहीं चाहती हूं कि आप जो भी टैरो के क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो मिस हो जाए. सो कीप चेकिंग इट, आपको हर अपडेट मेरी स्टोरी पर मिलेगा ही मिलेगा. हाँ मैम, बेबी कब होगा? 21 फरवरी. गीतिका, आज के लाइव में बेटा नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि आज सिर्फ टैरो के नंबर के प्रेडिक्शन दे रही हूँ. ठीक है, हाई प्लीज रिपीट नंबर 3 मेरे लास्ट लाइव में है, वो पोस्ट है, प्लीज आप उसे जाके देखिए. आई मिस द बिगिनिंग, विल यू शेयर द वीडियो? येस ऑफकोर्स आई पोस्ट दिस वीडियो, सारे लाइव की वीडियो आपको पोस्ट पर मिलेंगे. अगर नंबर से रिलेटेड कोई डाउट है आपको, कोई चीज मेरी नहीं समझ में आई, सो मैं थोड़ी देर और लाइव पे हूं, आप लोगों के साथ बनी हूं, आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं. और जिन लोगों ने शुरू में मेरा लाइव मिस किया है, प्लीज इसे देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कल अमावस है, आपको क्या करना चाहिए, और परसों न्यू मून है, आपको क्या करना चाहिए. अमावस पे एक बहुत बहुत स्पेशल हवन मैंने बताया है, आप रील पे जाइए, या मैं उसे पिन कर देती हूँ, या कमेंट बॉक्स में उसे पिन कर दूंगी. दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल हवन, महाकाली का हवन है. आप में से जो भी महाकाली से जुड़े हैं, उनकी साधना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, ये हवन आप जरूर जरूर करिए. आपको इतना अच्छा लगेगा ये हवन करके. सिर्फ जो काले उड़द की दाल है, आपको सिर्फ उससे आहुति देनी है, कोई हवन सामग्री नहीं. कैसे ये हवन करना है मैं आपको बता दूंगी, या आप थोड़ा सा स्क्रॉल भी करेंगे, या मेरे YouTube पे जाके टाइप करिए, वहां आपको इजीली मिल जाएगा. अमावस हवन लिखेंगे, मिल जाएगा, अदरवाइज मैं पिन कर दूंगी. सोमा, हाय सोमा, गतिका, गति अग्रवाल, ब्यूटीफुल नेम, गति, हाय गति, मैं अच्छी हूं, आई एम गुड. हाय श्रुति, तो चलिए आज का लाइव हम यहां रैप अप करते हैं. बहुत सारे मुझे, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, आप लोग इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछते हो, एंड आई फेल्ट सो डिसहार्टन कि आज मैं टैरो के साथ नहीं बैठी हूँ, टैरो डेक नहीं लिया है, इसलिए अभी इस लाइव में, और मैं उसे मिक्स भी नहीं करना चाहती. प्रेम इन द फर्स्ट टाइम अटेंडिंग लाइव, वेलकम टू द लाइव. रूपाली, फ्यूचर प्रेडिक्शंस नंबर 3 के लास्ट लाइव में है, आप जाओगे मेरे पेज पे तो आपको दिख जाएगा. देखो नंबर 8 के लिए जितनी बातें मैंने कही, अगर हालांकि पिछले साल मैंने पेज पे नहीं डाला था, 2000 ग्रुप्स में मैंने बातें की थी और अपने प्रेडिक्शंस दिए थे, और 2023 का एक सबसे बड़ा जो प्रमाण अगर मैं आपको दूं, मैंने स्पिरिचुअलिटी, मैंने क्या, हर एस्ट्रोलॉजर ने स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी सबने बोला, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आपने अनगिनत पॉडकास्ट देखे इस साल. आप अपना फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, न जाने किसका पॉडकास्ट आ जाएगा, न जाने किसके पेज पे आ जाएगा. लोगों ने सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर अपने पॉडकास्ट चैनल खोले हैं, और यकीन करिए उन्होंने बहुत नाम और शोहरत कमाई है, विच इज वेरी गुड. सो स्पिरिचुअलिटी इस तरह आसमान छुआ है ये सब्जेक्ट, हर किसी ने कुछ सीखा है, कोई किसी ने क्या कहते हैं उसको दीक्षा ली है, इतने ज्यादा लोग इस बार हरिद्वार गए हैं. और आपको अगर पता हो तो हज में शायद इट वाज अ ब्रेकिंग रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा लोग हज पहुंचे हैं. सो हर जगह स्पिरिचुअलिटी ने, नंबर 7 ने, जो कि केतु का नंबर है, आपको स्पिरिचुअल बनाता है. नंबर 7 आपको रिसर्च में लेके जाता है. सो स्पिरिचुअलिटी सीखना या एस्ट्रोलॉजी सीखना, टैरो, कुछ भी, ये रिसर्च कर रहे हो ना, अपने आप के बारे में रिसर्च कर रहे हो, खुद को जान रहे हो. सो नंबर 7 वॉज अ ब्यूटिफुल नंबर,
और यकीन करिए अगर इस साल आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, वो सारे 7-8 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, अगेन आई रिपीट, आपका नंबर कोई भी हो, ये साल आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला साल बन सकता है, क्योंकि 8 नंबर इज अ ब्यूटिफुल नंबर गाइस, इन्फिनिटी का नंबर है, समझ रहे हो? 8 जो होता है दैट इज इन्फिनिटी, तो आप ये इसकी पावर को समझो। बस डरो मत कि सैटर्न है, शनि है, शनि प्रिंसिपल है, थोड़ा गुस्सा करेंगे, थोड़ा डांटेंगे, ठीक है? शनि आपको बिल्कुल सिखाता है कि किस्मत पे यकीन नहीं करना है। एक और बात, जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे हैं ना भाई साहब, आपकी बैंड बजने वाली है, ये सुन लो, क्योंकि शनि को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहते हैं किस्मत को डालो डब्बे में और मेहनत करो, अगेन मेहनत मेहनत एंड ओनली मेहनत, दिस इज गोइंग टू गिव यू इमेंस रिजल्ट्स इन होल 2024। तो प्लीज मेहनत करिए, मेरा पहला लाइव देखिए जहां मैंने आपको बताया है कि आपको पूरे साल क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है? तो चलिए मैं चलती हूँ, आज का लाइव हम यहाँ वाइंड ऑफ करते हैं। नेक्स्ट लाइव को देखने के लिए मेरी स्टोरी चेक करिए, मोस्ट प्रोबेबली आई ट्राई टू कम ऑन सैटरडे, ठीक है? पक्का। और 7, 8, 9 हम उस दिन कवर करेंगे, एंड इफ पॉसिबल मैं संडे को आऊंगी। और अब जब मैं लाइव बंद कर रही हूँ तो लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, बट आई एम सो सॉरी, 9 बजे मेरा एक सेशन है, आई हैव टू वाइंड ऑफ, ठीक है? थैंक यू सो मच जो सारे लोग इस लाइव पे आए, इसे वॉच करिए, आई विल पोस्ट इट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट एवरीवन।